सांभर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम तूर दाल, इसे अरहर दाल भी बोलते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। आधे आलू को काट लिया है इस तरह से मैंने। एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से शिमला मिर्च, एक गाजर, इसे इस तरह काट लें, एक चौथाई बीट, इससे जो है सब्जी में अच्छी कलर आएगी। 5 से 6 बीन्स के टुकड़े को इस तरह काट लें। एक मीडियम साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, 40 से 50 ग्राम लौकी, आप चाहें तो और भी सब्जी ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 चम्मच, सांभर मसाला 2 छोटी चम्मच लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दें और गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे। इसमें मैं कुकर बैठा दी हूँ, इसमें मैंने सारा सब्जी डाल दिया है और अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी नमक डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब सीटी लगा दें। 3 सीटी लगने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। 3 सीटी लगने के बाद ये देखिए ठंडी हो चुकी है। अब इसका मैं सीटी हटा दूंगी और इसमें मैं अब 2 चम्मच सांभर मसाला डालूंगी। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दें और इसे मीडियम गैस में इसे 2 मिनट तक पकने दें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं उड़द दाल डाल रही हूँ। थोड़ी सी हींग डाल दें। राई, गैस का फ्लेम लो रखें, सूखी मिर्च, इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद ये पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। सांभर मसाला भी 2 मिनट तक पक गया है मेरा। अब इसका ऑफ कर दें फ्लेम। इसमें तड़का डाल के मिला दें।